है आपका स्वागत है। मैं रिजवान परमार, आर्टिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट और टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस। आज की वीडियो हमारे सीरीज ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन एटिकेट्स की आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि बिजनेस कार्ड जैसी पावरफुल चीज़ को किस तरीके से हम एक्सचेंज करें। उसके भी कुछ तौर तरीके होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते वक्त हमारे हाव भाव, हमारे तौर तरीके, हमारे डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए और आपका अंदाज क्या होना चाहिए जब आप अपना बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। देखिए, हमेशा जो है अपना बिजनेस कार्ड हैंडी रखिए, मतलब अपने पास रखिए, क्या पता किसको देने के लिए कब काम आ जाए। बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, फटा हुआ, मुड़ा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एकदम क्लीन और अच्छा होना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति पर भी हमारा जो इम्प्रेशन अच्छा आए, बुरा ना आए। दूसरी चीज़, रिमेंबर टू हैंड आउट बिजनेस कार्ड। अब होता क्या है, हमारे पास बिजनेस कार्ड तो होता है लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पास है भी कि नहीं। तो जब भी अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस पर इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो उसका अपना बिजनेस कार्ड हैंड आउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ, जब भी आप अपना बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करें, जब किसी को शेयर करें, तो बहुत ही ग्रेसफुली करें, बड़े ही अदब के साथ और एक रिस्पेक्ट के साथ सामने वाले को अपना बिजनेस कार्ड जो है वो दें दोनों हाथों से। ये चीज ये दर्शाता है कि आप अपने बिजनेस को, आप अपने काम को कितना रिस्पेक्ट करते हो। अपने बिजनेस कार्ड को बस कागज का टुकड़ा ना समझें, ये करेंसी है बिजनेस के लिए, आपके लिए। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिए, ना के कार्ड बस देते वक्त, जब भी आप किसी से एक्सेप्ट करते हैं किसी का विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड, तब भी आपको बहुत ही अदब व एहतराम से लेना है। जिस तरीके से वो जब दोनों हाथों से दें, तो आपको दोनों हाथों से एक्सेप्ट करना है और उसको जैसे आप एक्सेप्ट करें तो उसको ध्यान से पढ़िए, उसको देखिए और देखने के बाद, पढ़ने के बाद उसको अच्छे से अपने पास संभाल के रख दीजिए, अपने वॉलेट में या अपने डायरी में या जब जहाँ पर भी आप रखते हो विजिटिंग कार्ड्स को, अच्छे से आप अपने पास संभाल के रख दीजिए। तो ये थे कुछ तरीके बिजनेस कार्ड को एक्सचेंज करने के। बिजनेस कार्ड को एक्सचेंज करते वक्त भी आपको कॉर्पोरेट एटिकेट्स का ख्याल रखना है। और ये था इस सीरीज का आखिरी वीडियो। अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं अब तक, तो पिछले वीडियोज भी छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, उनको देखिए, उनसे सीखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि आपको पता है, जब तक के आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक ये नॉलेज जो है वो फायदेमंद कैसे होगी। अप्लाइड नॉलेज इस पावर। इस वीडियो को, इस सीरीज को अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। सब्सक्राइब तो आपने अब तक कर ही लिया होगा, लेकिन अब तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मैं जल्द ही मिलूंगा अगले वीडियो में।